दोस्तों आपको याद होगा काफी दिन पहले मैंने एक ट्रिमर की अनबॉक्सिंग करी थी जो ब्रांड था क्लीमी की तरफ से, जिसका मॉडल नंबर था KM809A। ये ट्रिमर मेरे चैनल पर काफी पसंद किया गया था, काफी लोगों ने मुझे कमेंट किया था सर ये ट्रिमर पहले आप क्यों नहीं लाए, और काफी लोगों ने उसे परचेज भी किया था। वो इसलिए क्योंकि उसकी बिल्ड क्वालिटी, उसकी स्पेसिफिकेशंस, उसका बैटरी बैकअप, उसकी चार्जिंग की टाइमिंग और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उसकी काफी ट्रिमर से अच्छी थी। अगर वो ट्रिमर आप एक बार ले लेते हो ना तो आपको काफी साल तक बोलना नहीं पड़ता है, इस वजह से वो ट्रिमर अच्छा था। इसी वजह से वो ट्रिमर काफी परचेज भी किया जाता था और आउट ऑफ स्टॉक था। मुझे तो उस ट्रिमर की सेलिंग देख के, क्वालिटी देख के ये लग रहा था कि इस जैसा कोई ट्रिमर आने वाला नहीं है काफी दिन तक। लेकिन आज जो मेरे पास अनबॉक्सिंग के लिए ट्रिमर आया है ना दोस्तों, वो आपको दिल थाम के बैठना पड़ेगा, वो उसका भी बाप निकला, यानी उसके ग्रैंड फादर निकले। आज जो ट्रिमर की अनबॉक्सिंग लाया हूं मैं, ये सेम डिट्टो उसी की तरह है दोस्तों। पूरा वीडियो देख के ही जाना, अगर वीडियो छोड़ दोगे तो बहुत पछताओगे। आज का वीडियो पूरा देखने के बाद सिर्फ आप इतना ही बोलोगे, हर्षित भाई ये ट्रिमर आप पहले क्यों नहीं लेकर आए, फटाफट से ऑर्डर करोगे अगर आपको ट्रिमर की जरूरत होगी तो। सो गाइस अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन राइट नाउ। दिस इज मी हर्षित एंड यू आर वॉचिंग वन एंड ओनली द हर्षित गुप्ता व्लॉग्स। दोस्तों ये है वो ट्रिमर जिसकी मैं इतनी देर से बात कर रहा था। ये ट्रिमर आप देख सकते हैं गिमी ब्रांड की तरफ से है, जिसका मॉडल नंबर है GM6008, यानी 6008 की सीरीज है ये। काफी लेटेस्ट सीरीज है, काफी क्वालिटी इसकी अच्छी है। बॉक्स की डिजाइन आप देख सकते हैं कुछ ऐसे है, मैं थोड़ा सा इसे जूम करके आपको दिखाता हूं। ये इसका फ्रंट लुक है और ये इसका बैक लुक है दोस्तों, और इस पे कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम लोग स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करते हैं, चार्जिंग की जो बैटरी का यूज हुआ है वो लिथियम आयन बैटरी है जो कि 2000 mAh की है, ठीक है। और इसकी जो चार्जिंग ड्यूरेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, जैसे 3 से 4 घंटे की इसकी चार्जिंग ड्यूरेबिलिटी है, उसकी भी थी, लेकिन उसका जो बैकअप था 1.5 से 2 घंटे या बहुत ज्यादा 2.5 घंटे का था। लेकिन इस ट्रिमर का जो बैकअप है वो 4 से 5 घंटे का है दोस्तों। यह बहुत बड़ी बात अपने में रखता है कि अभी तक ऐसे कोई ट्रिमर नहीं आए जिसकी जो चार्जिंग की ड्यूरेबिलिटी है वो 5 घंटे की हो। इस ट्रिमर में 2000 mAh की बैटरी पड़ी हुई है और वो भी लिथियम आयन बैटरी पड़ी हुई है, उसकी चार्जिंग ड्यूरेबिलिटी ये 5 घंटे की रखता है। साथ ही साथ इसमें डिस्प्ले दिया हुआ है, यानी LED डिस्प्ले दिया हुआ है, और इसमें एडजस्टमेंट के लिए टैपर दिया हुआ है। टैपर का काम होता है लेवल इसके जो होते हैं ब्लेड के, उसको एडजस्ट करता है। साथ ही साथ इसमें पावर एडॉप्टर है जो इसे फास्ट चार्जिंग देता है, और साइड में इसमें लिखा हुआ है मेड इन चाइना। ऐसे प्रोडक्ट भी मेड इन चाइना में ही बनते हैं, वही दे सकते हैं, ठीक है। बॉक्स की पैकिंग तो बहुत अच्छी लग रही है, फटाफट से हम लोग इसे अनबॉक्स करते हैं। और अनबॉक्स करके मुझको दोस्तों इसमें ये सारी चीजें कुछ इस तरह से रखी मिलती हैं। मैं ऊपर सबसे पहले रखा हुआ है यूजर मैनुअल गाइड, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसे मैं साइड में करता हूं, और ट्रिमर कुछ इस तरह से अंदर रखा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें सारी चीजें इसकी ट्रिमर की यूज की रखी है। अब मैं एक एक चीज आपको हटाता जाता हूं, दिखाता जाता हूं। सबसे पहले ये यूजर मैनुअल गाइड है, ठीक है, और ये इसका पावर एडॉप्टर है। एडॉप्टर के साथ साथ इसमें आपको इसके क्लिपर मिलते हैं, यानी बहुत लोग इसे कंघे बोलते हैं, मैं हमेशा बताता हूं, ठीक है। इसमें 4 एडजस्ट करने के लिए, एडजस्टमेंट के लिए 4 कंघे दिए हुए हैं। एक छोटी सी प्यारी सी ऑयल बॉटल दी गई है, ठीक है। साथ ही साथ ये हमें ऊपर ही रखा मिल जाता है ट्रिमर। ट्रिमर को साइड में करते हुए हम लोगों को यहां पर मिलता है एक छोटा सा ब्रश, ये देखिए। तो दोस्तों ये सारे इसमें पार्ट थे। सबसे पहले हम लोग इसमें पावर एडॉप्टर उठाते हैं, जिसमें जो पावर एडॉप्टर का इनपुट है AC 100 वोल्ट का एडॉप्टर है, 100 वोल्ट से 240 वोल्ट की कैपेसिटी इसकी, जो कि आउटपुट देता है 5 वोल्ट का देता है। 5 वोल्ट का आउटपुट मैंने बहुत सारे अपने वीडियो में बताया था कि जो 5 वोल्ट का आउटपुट रखते हैं वो फास्ट चार्जिंग देते हैं। 4 वोल्ट या 3 वोल्ट का जो एडॉप्टर होते हैं वो फास्ट चार्जिंग नहीं देते हैं। मेड इन चाइना इसमें भी लिखा है दोस्तों, और जो वायर की क्वालिटी दोस्तों देख सकते हैं सेम डिक्टो उस ट्रिमर के जैसी है जैसे उसमें थी, और कम से कम तकरीबन 2 मीटर का वायर दिया हुआ है इसमें, ठीक है। और 4 हम लोगों को इसमें क्लिपर मिलते हैं, 4 क्लिपर, जिसमें से एक क्लिपर है 3 mm का और एक है 6 mm का, एक है 10 mm का और एक है 13 mm का। दोस्तों मैं एक ट्रिक
क्लिपर आपको उठा के दिखाओ, क्लिपर की क्वालिटी भी काफी अच्छी दोस्तों दी गई है, काफी सॉलिड क्लिपर दिए गए हैं, ये टूटने वाले जल्दी से नहीं है, एक बड़ा क्लिपर है, ये इसका छोटा क्लिपर है दोस्तों। मैं मेन पार्ट इसका ट्रिमर का उठाता हूँ दोस्तों, ये है, इसे फटाफट से खोलता हूं, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूं, ठीक है। आपको ट्रिमर दे के कुछ आइडिया लग रहा होगा, ये इसका बैक लुक है और थोड़ा सा ये आप देख सकते हैं साइड में इसका है, कुछ इस तरह से इधर से डिजाइन है, कुछ इस तरह से ये है दोस्तों। वेट की अगर बात करते हैं तो वो ट्रिमर हल्का था, ये थोड़ा सा वेट है, कुछ ग्राम का अंतर है दोस्तों ट्रिमर में। दोस्तों इस ट्रिमर की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, यानी इसमें जो प्लास्टिक मटेरियल यूज हुआ है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, यही चीज इस ट्रिमर को थोड़ा सा वेटेड बना देती है, थोड़ा सा क्लासी बना देती है, थोड़ा सा डिसेंट बना देती है। देखिए यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे कीमी की ब्रांडिंग दी गई है और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा येलो कलर से डिजाइन दी गई है, ठीक है। ये यहाँ पे डिस्प्ले दिया गया है, ये यहाँ पे टांगने के लिए एक हुक बना हुआ है, पीछे गिमी की ब्रांडिंग दी गई है और यहाँ पे स्विच लगाए जो कि ऑन ऑफ के लिए है। मैं बोल रहा था टैपर, टैपर क्या चीज होती है, ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सेक्शन साइड में दिया हुआ है, ये हैंडल टाइप का, इसे टैपर बोलते हैं, ये ब्लेड को एडजस्ट करने के लिए होता है। अब मैं ब्लेड का जो कैप होता है इसे हटा देता हूँ, या ब्लेड देख सकते हैं स्टेनलेस स्टील ब्लेड यूज हुई है। अब इस टैपर का काम क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा जूम करके इसे दिखाता हूँ, ये देखिए ये ब्लेड ऊपर से एडजस्ट हो रही है ना, ये इस चीज को एडजस्ट करने के लिए टैपर होता है, ये देखिए मैं इसे एडजस्ट कर रहा हूं और ये एडजस्ट हो रहा है, तो इसका इस टैपर का काम यही होता है दोस्तों। अब इसकी क्वालिटी तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, अब ये वर्किंग में कैसा है ये तो हम लोगों को इस ट्रिमर को चला के ही पता चलेगा, और मैं इसे ऑन करके देखता हूं, ये आवाज तो नहीं कर रहा है, दोस्तों आपका क्या कहना है इस आवाज के बारे में, मैं एक बार फिर से चेक कराता हूं, इतनी आवाज मुझे लगता है सफिशियंट है ट्रिमर में, इतनी तो होती ही है क्योंकि मोटर बेस के ट्रिमर होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बार इसे ऑन करके जूम करके दिखाता हूं, इसमें 83% की बैटरी है दोस्तों, मैं फिर से ऑन करता हूं, जूम करता हूं मैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा मैंने ऑफ कर दिया है, लाइट बंद हो गई है, एक दो बार ब्लिंक करने के बाद लाइट बंद हो जाती है, या देख सकते हैं 83% बैटरी दिखा रहा है इसमें, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं, ठीक है मैंने बंद कर दिया है। तो दोस्तों ये ट्रिमर की क्वालिटी थी, ये ट्रिमर सेम डिक्टो कीमी की तरह है, मैं कॉपी नहीं बोलूंगा, दोनों ब्रांड अलग अलग है, बहुत अच्छे ब्रांड है दोनों, दोनों अपने अलग अलग बनाते हैं। अब मैं एक बार इससे इसकी कटिंग देखता हूं, मैं अपने हाथ के रोए जो हैं हटा के देखता हूं कि ये वर्किंग इसकी कैसी है दोस्तों। मुझे उठ के थोड़ा सा पास आना पड़ेगा, मैं कैसे दिखाऊंगा, थोड़ा सा मैं जूम करता हूं और मैं आपको थोड़ा सा हाथ पास में ला के दिखाता हूं दोस्तों। ये मेरा हाथ है, ये मेरे हाथ के साइड में रोए हैं, मैं इसे हटाता हूं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं किस तरह से हाथ के रोए हटा रहा है ये, ठीक है। इसकी क्वालिटी दोस्तों बहुत अच्छी है दोस्तों, कहीं भी मुझे हाथ दोबारा नहीं फेरना पड़ा है, इसने काफी अच्छे से हाथ के जो रोए हैं हटाए हैं दोस्तों। मुझे ये क्वालिटी बहुत पसंद आई ट्रिमर की, और मैं सच्ची दिल से बताऊं ना, मैं अपने ट्रिमर पे जो इसकी रेटिंग देना चाहूंगा ना, वो 5 में से 5 की देना चाहूंगा। अभी तक मैंने इतने ट्रिमर इतनी मशीनें अनबॉक्स करी ना, मैंने कभी भी किसी को फुल रेटिंग नहीं दी है, लेकिन इस ट्रिमर को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे पूरी रेटिंग देना चाहता हूं, और आज की रेटिंग आप बताइए अगर मैं सही हूं तो मेरी रेटिंग जो आज की है ये सही है कि नहीं। और इस ट्रिमर का दोस्तों परचेजिंग लिंक मैं नीचे दे दूंगा आपको, उससे पहले मैं आपको इसके क्लिपर ऊपर लगा के दिखा देता हूं। ये दोस्तों ऐसा लगे, मैंने सबसे बड़ा वाला क्लिपर 13 mm का है वो उठाया दोस्तों, तो ये देखो कुछ इस तरह से लगेगा दोस्तों, ठीक है, और इसे पीछे से ही हट जाएगा। अभी मैं ट्रिमर को आपको चार्ज करके भी एक बार दिखा देता हूं कैसे चार्ज होगा ये दोस्तों। ये देखिए आपका ट्रिमर चार्ज होने लगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी खरीदने की, तो आप अपनी लोकल मार्केट से इसे खरीद सकते हैं, अगर वहां पर अवेलेबल होगा तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज इसका परचेजिंग लिंक मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। ये दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं, ये आउट ऑफ स्टॉक रहता है, आपको मिलेगा नहीं, तो जिस भी साइट पे आपको मिल जाए आसानी से, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे,
तो वहां से आप लोग इसे इजिली परचेज कर लेना। कभी कभी हर वेबसाइट में अलग अलग इसके रेट रहते हैं, तो डाउट मत करना, परचेज कर लेना। एक बार आपके हाथ में आ जाएगा ना, तो आप इसे काफी सालों तक यूज कर पाएंगे। आपको कभी बोलना नहीं पड़ेगा कि मेरा ट्रिमर आज खराब हो गया है या कल खराब हो गया। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दिया करिए। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, लाता हूँ छाट छाट के चीजें, और पसंद आया तो शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। अपने मन में कोई सवाल उठ रहा हो ट्रिमर के बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं वहां पर उनका जवाब दूंगा। आप में से कौन कौन इस ट्रिमर को खरीदने वाला है मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं अपने टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी मुझे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल जवाब वहां मुझे कर सकते हैं, वहां पे मैं काफी सारी चीजें अपलोड करता रहता हूँ। साथ ही साथ मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में। आज मैं अपनी वीडियो यहीं पे कंप्लीट करके जा रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो, आई होप यू लाइक इट। बाय बाय एंड टेक केयर।